हे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साउथ कोरियाई स्कूलों के नियम कायदों के बारे में, क्योंकि साउथ कोरियाई स्कूलों के नियम कायदे बाकी दुनिया से काफी हटकर हैं। तो अगर आप भी साउथ कोरिया जाने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नो शूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जब भी अपने घरों में जाते हैं तो हम जूते बाहर ही उतारते हैं, ठीक उसी तरह साउथ कोरिया में भी जूतों को घर से बाहर उतारा जाता है। लेकिन ये सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी देखने को मिलता है। साउथ कोरिया के स्कूलों में बच्चों को अपने जूते बाहर उतारने होते हैं और उसके बाद एक खास तरह की चप्पल पहननी होती है और हर किसी को इस नियम का पालन करना पड़ता है, जिससे कि स्कूल में साफ सफाई बनी रहे। अगर कभी स्कूलों में किसी तरह का फंक्शन या पेरेंट्स मीटिंग कराई जाती है तो उस दौरान बच्चों के माता पिता को भी एक खास तरह की चप्पल दी जाती है, जिससे कि स्कूल में साफ सफाई बनी रहे। बाथरूम। दोस्तों, जहां दूसरे देशों के स्कूल टॉयलेट में रखे जाने वाले सभी सामान की जिम्मेदारी स्कूल की होती है, वहीं साउथ कोरिया में इसका अलग सिस्टम है। दरअसल साउथ कोरिया में हर एक क्लास के पास एक टॉयलेट पेपर का रोल होता है, जिसे टॉयलेट जाते समय क्लास से ही लेकर जाना पड़ता है। और अगर आप टॉयलेट पेपर कम लेते हैं तो शायद ही आपको दोबारा इसे लेने का मुश्किल से मौका मिले, और ऐसा स्कूल द्वारा कागज और पैसा बचाने के लिए किया जाता है। साफ सफाई। साउथ कोरिया के स्कूलों में साफ सफाई करने की पूरी जिम्मेदारी बच्चों की होती है। यहाँ किसी तरह का कोई कर्मचारी स्टाफ नहीं होता जो स्कूल की सफाई करे। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को खिड़की साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना जैसे सभी काम कराए जाते हैं। बस यहाँ टॉयलेट साफ करने के लिए एक कर्मचारी होता है, वरना सभी साफ सफाई के काम स्कूली बच्चों को ही करने होते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म। साउथ कोरिया में स्कूली बच्चों को एक खास तरह की ड्रेस पहननी होती है, जिसे ग्योबॉक कहा जाता है। इन स्कूल ड्रेस में ब्लेजर, टाई, व्हाइट शर्ट और पैंट होती है, और लड़कियों के लिए स्कर्ट, लंबे जुराब होते हैं। इन स्कूलों में लड़कों के बाल हमेशा ही कटे होने चाहिए, जो कि उनके कानों को ना ढके, और लड़कियों के बालों की लंबाई उनके कंधों तक होनी चाहिए। साथ ही सभी के बाल साउथ कोरिया के कल्चर की तरह काले होने चाहिए। साउथ कोरिया के स्कूलों में किसी भी तरह का मेकअप अलाउड नहीं है। आप इन स्कूलों में किसी भी तरह की अंगूठी या चैन नहीं पहन सकते। साथ ही यहाँ लिप बाम लगाने पर भी मनाही है। सोना। साउथ कोरियाई स्कूलों में बच्चों को सोने की मनाही नहीं है, यानी कि कोई भी जब चाहे जहाँ चाहे क्लासों में सो सकता है, जिस पर यहाँ के शिक्षक भी कुछ नहीं कहते। दरअसल साउथ कोरिया के स्कूलों में 12 घंटे तक बच्चों की क्लास ली जाती है, जिस वजह से बच्चों का थकना लाजमी है, और इसी वजह से स्कूल भी बच्चों को कुछ समय के लिए सोने से नहीं रोकता। लेकिन इसके बाद बच्चों को समय पर क्लास भी अटेंड करनी होती है। लेकिन सोने का यह सिलसिला केवल साउथ कोरिया के स्कूलों में ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी का साउथ कोरिया के इन स्कूल नियमों के बारे में क्या मानना है? आप इस वीडियो से जुड़ी राय कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।